हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आजकल मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, वैसे वीडियोज डाल रहा हूँ जिसमें मैंने ऐसी चीज़ें बताई है जिससे आप इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीख सकते हैं। मीन्स वैसे लोगों के लिए मैं आजकल वीडियो बना रहा हूँ जिनको इंग्लिश में लिखने पढ़ने भी नहीं आता है, वैसे लोगों के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमने 3 वीडियो डाल दिया है, ये चौथा वीडियो है। तो अगर आपने पिछली 3 वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, वहाँ पर जाकर आप देख लेना। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, पहले क्लास में हमने सीखा था कख ग घ का इंग्लिश, फिर 3-3 अक्षर वाले शब्दों के, बिना मात्रा वाले शब्दों के इंग्लिश बनाना सीखा था, फिर इंग्लिश का हिंदी बनाना भी सीखा था, फिर 4 अक्षर वाले, बिना मात्रा वाले अक्षर वाले शब्दों के इंग्लिश बनाना सीखा, फिर उसका इंग्लिश का हिंदी बनाना सीखा, फिर उसके बाद हमने नाम लिखना सिखाया था, मात्रा वाले नाम पूरा, फिर इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हर वीडियो के अंत में मैं आपको होमवर्क देता हूँ, बहुत सारा होमवर्क देता हूँ, उसको आप घर पर प्रैक्टिस किया करो। आप यकीन मानो मेरा कि आप, मैं जैसे कह रहा हूँ उसे फॉलो करो, सिर्फ आप एक हफ्ते में 8-10 दिन में आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना आ जाएगा, आप शुरू कर दोगे लिखना पढ़ना। ओके फ्रेंड्स, सो जो भी कुछ मैं कह रहा हूँ आपको करने के लिए, उसको आप सिर्फ को फॉलो करना है, उसको आप वीडियो देखो, वीडियो में जो भी बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझो, फिर लास्ट में जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप ज़रूर पूरा करो। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जो हमने होमवर्क दिया था अभी उसका आंसर देख लेते हैं। ओके, आप इससे अपना बनाया हुआ होमवर्क मैच कर लो, जहाँ पर भी गलतियाँ हैं वहाँ सुधार लो, और गलतियाँ नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जहाँ गलतियाँ हैं उनको आप देखो और समझो कि गलतियाँ क्यों है, क्या गलती थी, उसके आप सुधारते जाओ। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, सो आज हम कुछ सेंटेंसेस हमने लिखा है यहाँ पर हिंदी के कहानी जैसा, अभी हम प्रैक्टिस में यह चीज़ करेंगे। अभी हमने शब्दों को किया, फिर नाम लिखना सीखा, इंग्लिश में हिंदी में दोनों सीखा हमने, फिर अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक कहानी की तरह इतना कुछ ले लेंगे। आपके पास एक बुक होगी हिंदी की बुक्स में कहानियाँ बहुत होती हैं, तो उन कहानियों को इंग्लिश में लिखना शुरू कीजिए। रोज़ सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस करो, 5-10 मिनट की प्रैक्टिस, इंग्लिश लिखो उसका, हिंदी का, फिर उसके बाद कैसे लिखना है मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, और ये रोज़ आप प्रैक्टिस करो। और क्लास के अंत में मैं एक आपको कहानी भी दूंगा, उसका आपको इंग्लिश बनाना होगा, फिर उसके अगले नेक्स्ट क्लास में मैं उसका आंसर भी बताऊँगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है एक समय की बात है, अब इसका हम इंग्लिश लिखेंगे, इसको हम ट्रांसलेट नहीं करना है इंग्लिश में कि वंस अपॉन अ टाइम, ऐसा नहीं बोलना है इसको, हम जैसे नाम लिखते हैं ना वैसे ही इसको बनाना है। अभी हम आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, लिखना पढ़ना जब आ जाएगा, जैसे नाम जैसा कुछ भी चीज़ जैसा लिखा हो, जैसे हम व्हाट्सएप पे हम चैटिंग करते हैं, मैसेज करते हैं, उस तरह से इंग्लिश लिखना पढ़ना आ जाएगा, फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको कि इंग्लिश की बुक कैसे पढ़ी जाती है। जब ये सब अच्छी तरह से आ जाएगा तभी आप वो चीज़ शुरू कर पाओगे, और यकीन मानो आपको आ जाएगा। सिर्फ 2-3 दिन के इंस्ट्रक्शन में आप समझ जाओगे कि इंग्लिश की बुक पढ़ना कैसे है। ओके फ्रेंड्स, मैंने 4-4, 5-5 साल के बच्चों को इसी तरह से पढ़ाया है और वो आज पढ़ते हैं अच्छी तरह से। तो शुरू करते हैं, एक समय की बात है, तो ए के लिए हम क्या लिखेंगे, आपको याद ही होगा ए का इंग्लिश ई होता है और क का के होता है, तो लास्ट में हम ए नहीं लगाते हैं जब तक कि आ की मात्रा ना हो। एक समय, तो सीधा हम इसका इंग्लिश लिखते चले जाएंगे, एस ए एम ए वाई, एक समय हो गया। की में यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब बड़ी की मात्रा हो तो वहाँ पर हम डबल ई भी डाल सकते हैं या आई भी डाल सकते हैं, तो हम आई डालते हैं। की बात है, तो बात में हम सिर्फ ए भी लिख सकते हैं और डबल ए भी लिख सकते हैं आ की मात्रा के लिए। ओके फ्रेंड्स, बात है, अभी एच का हा, इसमें ऊपर मात्रा है 2, है ए का मात्रा, तो ए का मात्रा आप देख लेना, ए का मात्रा क्या होता है, ए आई है। एक समय की बात है, एक अरबी अपने टेंट में सो रहा था, तो एक अरबी, फिर से एक आ गया, एक लिख दिया हमने, अरबी, अ के लिए ए,
र आर बी। अब यहाँ पे आर के बाद हमने एक क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम अरबी बोल रहे हैं, अरबी नहीं बोल रहे हैं, अरबी बोल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर अरबी लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अपने अपने आ आ का ए पी का प ने अपने टेंट में सो रहा था। टेंट में है तो में एम ई में का एक्चुअली में जो इंग्लिश होता है एन यहाँ पर लगाएंगे हम में, तब यहाँ पर जो बिंदु रखा है उसका मात्रा आएगा में। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा लोग लिखते नहीं है क्योंकि मेन ये मेन हो जाता है, इसलिए में चलेगा, इतना चलेगा। मैं सो रहा था तो स का एस और इसमें ओ का मात्रा है, यानी कि ऊपर भी एक है और नीचे भी एक है, तो ओ का मात्रा आता है तो ओ लिखते हम। रहा था र हा, इसमें आ का मात्रा है इसलिए हम लास्ट में ए डालेंगे था। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से हम पूरी कहानी लिखते चले जाएंगे। बाहर तो बी ए एच ए आर, अब यहाँ पर बी ए का मतलब बा हो गया, यहाँ पर हम डबल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन ए का भी मतलब आ होता है इसलिए हम ए लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाहर उसका ऊ का मतलब ऊ यू, फिर इसमें एस उसका के ए, लास्ट में आ का मात्रा है इसलिए ए डाला। अब यहाँ पर एस में ए का मात्रा क्यों नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पर उसका बोल रहे हैं हम, उसका नहीं बोल रहे हैं, उसका उस पे हम रुक जा रहे हैं, जहाँ पर भी हम रुक जाते हैं फिर वहाँ से दूसरा शब्द जैसा शुरू होता है वहाँ पर हम ए नहीं डालते हैं, समझ रहे हैं। तो उसका हो गया उसका ऊँट यू एन टी ऊँट, एन क्यों लगाया इस बिंदु के लिए ऊँट। ओके, बंधा बी ए एन बन हो गया, फिर धा डी एच ए बंधा, फिर था। ओके फ्रेंड्स, बाहर बहुत सर्दी थी, अब हम सीधा लिखते चले जाते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाहर फिर ब हु और त, बहुत सर्दी सर्दी, यहाँ पे सर पे हम रुकते हैं सर, फिर दी बोलते हैं सर्दी, सरदी नहीं बोलते हम, इसलिए यहाँ पे आर में ए नहीं लगेगा। सर्दी थी टी एच आई थी। ओके, ऊँट सर्दी तो ऊँट ऊँट सर्दी सर्दी। नहीं सह सका, नहीं तो एन एच आई नहीं सह सका। ओके फ्रेंड्स, उसने टेंट में झांक कर उसने टेंट, टेंट है तो टी एन हो जाएगा टेन का, क्योंकि यहाँ पर आधा न है इसलिए यहाँ पर न डाला एन डाला। टेंट में झांक कर अपने मालिक से कहा, अपने मालिक से कहा। ओके फ्रेंड्स, क्या मैं अपना सर तो क्या आधा का है इसलिए सिर्फ के डालेंगे, यहाँ पर ए नहीं डालेंगे, फिर वाई ए क्या हो गया, क्या मैं में ऊपर बिंदु है यानी बिंदु के लिए हम एन डालते हैं इसलिए मैं एन डालना पड़ेगा। अपना सर टेंट के अंदर ले सकता हूँ, टेंट के अंदर, टेंट पहले भी लिख चुका हूँ, टेंट फिर के अंदर फिर ले सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपके घर पे कोई भी हिंदी की बुक होगी उसमें से कोई भी कहानी आप चूज़ करना और उसका इंग्लिश लिखना इसी तरह से शुरू कर देना, रोज़ एक पेज लिखना। ओके फ्रेंड्स, लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और जितने भी मात्रा है वो सारे के सारे दिमाग में घुस जाएगा अच्छी तरह से और फिर वो कभी बाहर नहीं निकलेगा, आप सिर्फ एक हफ्ते प्रैक्टिस करोगे तो। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको हिंदी में लिखी हुई कहानी का इंग्लिश बनाना है, उसके बाद मात्रा जो आपने लिख कर रखा है ओ आई का क का के की का, उसका मात्रा जो है उसका इंग्लिश आपने लिखा होगा जो मैंने पहले बोर्ड पर लिखवाया था, उससे आप मिला लेना कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। फिर भी
मैं लास्ट में एक कहानी लिख कर दूंगा आपको हिंदी में, उसका आपको इंग्लिश बनाना होगा और मैं नेक्स्ट क्लास में उसको चेक करूंगा। मीन्स आप चेक कर लेना, मैं उसका आंसर दूंगा स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी आप वो स्क्रीन पर स्टोरी देख लो।